सर आपके विद्यालय में खेलने का मैदान नहीं है, उसके अभाव में आप बच्चों को कहाँ खिलाते हैं, कैसे? हम बच्चों को स्टेडियम ही कर सक करवाते हैं, कभी ले जा करके बच्चों को, दूर बहुत दूर पड़ता है स्टेडियम। आपके विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, आप बच्चों को कैसे ले जाते हैं? ले जाते हैं साहब, 2-4 दिन टूर्नामेंट से पहले ही तैयारी, क्योंकि रिस्क है यहाँ रस्ते में ले जाना ट्रैफिक की वजह से, पर फिर भी ले जाते हैं। रोज तो नहीं खिलाते ना? रोज नहीं खिलाते। आपने इसकी शिकायत कभी अपने जिला शिक्षा अधिकारी की है खेल मैदान के लिए? जी बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? उपलब्ध ही नहीं है मैदान। हमारे करौली में 700 निजी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान नहीं होने की वजह से बच्चों का पूर्णतः शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि आज से 10 साल पहले करौली के 20-25 खिलाड़ी नेशनल लेवल के रैकेट निकले हुए हैं, और उन्हीं विद्यालयों से निकले हुए हैं जिन विद्यालयों का मैंने सर्वे किया है, उनमें पता चला है कि उसी विद्यालय में पहले खेल के मैदान थे, बच्चों को सब तरह के खेल खेलने को खेल मिलते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि उन विद्यालयों में बिल्डिंगें तैयार कर दी है, अतिक्रमण हो गया है, बच्चों को स्कूल नहीं है। हमारा शिक्षा विभाग हर स्कूल को परमिशन दे देता है, लेकिन स्कूल में खेल का मैदान नहीं है। आपके विद्यालय से पहले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच भी निकल चुके हैं जी, लेकिन आज आपके बच्चे इसके अभाव में पिछड़ रहे हैं, इसलिए क्या सोचा है आपने? पहले ये मैदान जो अपने यहाँ पर साइड में है, ये काम में आ रहा था, आजकल इस पर अवैध कब्जा हो रहा है, वो अपने अंडर में नहीं है। अवैध कब्जे की कोई शिकायत की आपने? हाँ बिल्कुल, कचरा डाला हुआ है, कई बार कर चुके, कुछ नहीं हो रहा सर। मैदान नहीं होने की वजह से आपको क्या क्या परेशानी आती है? मैदान नहीं होने की वजह से सारे खेल ही बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं। बच्चों को कहाँ खिलाते हैं फिलहाल? बच्चों को फिलहाल विद्यालय परिसर में खिलाते हैं। विद्यालय परिसर में ऐसी जगह है जहाँ खिलाया जा सकता? नहीं, मनोरंजनात्मक खेल ही खिलवा सकते हैं, वैसा कोई नहीं खेल खिलवा सकते। यहाँ पे खेल का मैदान कहाँ पे है? बस यही है हमारा होले वास इतना। क्या यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है? नहीं है। खेल का मैदान नहीं होने की वजह से आपको क्या क्या परेशानी आती है? हम ना तो कुछ भी नहीं खेल सकते, यहाँ पर भागने का खेल नहीं खेल सकते, कबड्डी नहीं खेल सकते, दौड़ दौड़ के मैदान में लगा नहीं सकते, और भी बहुत सारे खेल हैं खेलने के लिए, और भी व्यायाम व्यायाम जो भी कुछ हैं, इसमें परेशानी आती है खेलने के लिए। शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों को परमिशन देनी चाहिए, वह ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जिससे स्कूलों में खेल का मैदान हो और बच्चे अपनी शारीरिक विकास हो सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड के लिए।